फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज टैब पे जाकर इमेज को ऑटो ट्यून करेंगे, फिर हम इमेज को ऑटो कंट्रास्ट करेंगे। अब हम फिल्टर ऑप्शन में जाकर रॉ कैमरा फिल्टर अप्लाई करेंगे, जिससे एक नया पैनल हमारे सामने खुल के आ जाएगा। इसमें हम टेम्परेचर को -23 करेंगे और टिंट को +21, एक्सपोजर हम -0.10 करेंगे और कंट्रास्ट को करेंगे +9, हाईलाइट +2, शेडो +4 और वाइट को -8। क्लियरिटी को -21, डीहेज को +5, वाइब्रेंस को +5 और सैचुरेशन को +1। इसी के साथ दूसरी सेटिंग्स में हम जाएंगे, डिटेल्स में। शार्पनिंग का अमाउंट हम 20 रखेंगे। और शार्पनिंग रेडियस 1.1। शार्पनिंग डिटेल हम 34 रखेंगे। और मास्किंग को 33 करेंगे। नॉइस रिडक्शन में जा करके ल्यूमिनेंस को 17 करेंगे। ल्यूमिनेंस डिटेल को 50, ल्यूमिनेंस कंट्रास्ट को 7। और जैसे ही हम कलर सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन और खुल जाते हैं। कलर को हम 9 रख रहे हैं, कलर डिटेल 53, कलर स्मूथनेस 56। इसमें और भी कई ऑप्शन हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ओके कर देंगे। थोड़ा सा शैडो इफेक्ट देने के लिए मैंने एक नई लेयर ली है। अब हम ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करेंगे और इमेज को थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब हम ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे, इमेज को अगेन बड़ा कर लेंगे, ये बिफोर ये आफ्टर। लेयर मोड को हम नॉर्मल से मल्टीप्लाई पे सेट करेंगे और अब यह हमारा इफेक्ट रेडी है। मैं चाहता हूँ एक वाटरमार्क यहाँ पे प्लेस करने के लिए, तो मैं अपना वाटरमार्क उठा के इमेज पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं रखने वाला हूँ राइट कॉर्नर पे। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा। और फाइनल इमेज तैयार है।